किस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। थोड़ा रुकिए, ये कोई फिल्म नहीं है। फिल्म मर्द का ये डायलॉग शायद आज भी हर उस पुरुष की जुबान पर आ ही जाता है जो किसी भी दर्द से जूझ रहा हो। लेकिन आज के समय में ज्यादातर पुरुष उस दर्द से जूझ रहे हैं जिसके लिए ये फिल्म मर्द का डायलॉग बौना साबित होता है। आपको बता दें, महिला कानूनों का लगातार ज्यादातर दुरुपयोग होता है, चाहे वो प्रेम संबंध के दौरान स्वेच्छा से बनाए गए आंतरिक संबंधों के बाद महिला द्वारा अक्सर पेय पदार्थ में कुछ मिला देने के बाद ही रेप की वारदात की कहानी बताई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार के मामलों को देखा गया और पाया गया कि मामलों का सबसे बड़ा अनुपात भागे हुए जोड़ों से संबंधित था। दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या, छेड़छाड़ कई ऐसे अपराध हैं जिसमें ज्यादातर कानूनों का दुरुपयोग होता है। इन सबको देखते हुए कानपुर के शास्त्री चौक चौराहे पर मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पुरुष आयोग की मांग को लेकर देशव्यापी मुहिम की शुरुआत की गई। इसका पहला पड़ाव हस्ताक्षर अभियान के रूप में किया गया, जो कि 28 जुलाई से 30 सितंबर तक 5 चरणों में होगा। प्रांतीय संरक्षक सौरभ शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष विनोद वर्मा ने बताया कि 5 चरणों में संपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित भारत के लगभग 350 जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आपको बताते चले, संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर तपन अग्निहोत्री ने बताया कि पुरुषों के लिए भी कानूनी प्रावधान करते हुए महिला आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाना चाहिए, जहां पुरुषों के महिला द्वारा प्रताड़ित होने पर उनकी भी जांच और सुनवाई हो सके और वो भी गुनहगार न होने पर भी अपने को निर्दोष साबित कर सके। डॉक्टर तपन द्वारा ये भी बताया गया कि महिला कानून को चाहे आप और सख्त कर दें, लेकिन यदि कोई महिला पुरुष के खिलाफ केस दर्ज कराती है और न्यायालय द्वारा उस केस को झूठा पाया जाता है तो उस महिला को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सही साबित होने पर पुरुष को मिलनी थी। ऐसा प्रावधान महिला कानून के साथ जोड़ा जाए, संस्था की राष्ट्रीय निदेशक महिला डॉक्टर किरण ने ये स्पष्ट किया कि कानून से महिलाओं पुरुषों दोनों को फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसे पुरुषों को न्याय मिलेगा जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, और यदि महिला द्वारा पुरुष को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो भी महिला पर केस दर्ज कराकर कानून के द्वारा प्रताड़ना से मुक्ति पा सकेंगे और झूठे केस दर्ज होने में कमी आने से ऐसी महिला जो वास्तविक रूप से पुरुषों द्वारा प्रताड़ित है उन्हें भी न्याय शीघ्र से शीघ्र मिलना शुरू हो जाएगा। इस मुहिम में संस्था के धनंजय सिंह, अजय कुमार, जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह, अविनाश तिवारी, गणेश दीक्षित, प्रियंका यादव, दीपक राणा, ब्रजेश कमल, मोहम्मद उमर, उमा मिश्रा, सूर्यकांत पांडे, रीता यादव, प्रियंका पाल, शिल्पी सौम्या यादव, अन्य भी पदाधिकारी और आम नागरिक मौजूद रहे। अपना परिचय दीजिए, किस तरीके का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बताइए। मैं तपन अग्निहोत्री, राष्ट्रीय महामंत्री मानवाधिकार सक्षम संरक्षण। आज ये संस्था ने एक मुहिम शुरू की है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्योंकि आज समाज में जो महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को रोकने के लिए इस आयोग की बहुत जरूरत है। आज संविधान में आर्टिकल 15 के अंतर्गत इस लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं हो सकता है, फिर जब आज राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए है तो पुरुषों के लिए पुरुष आयोग क्यों नहीं है। हमारी संस्था से दो मांगे हैं, पहला कि पुरुष आयोग बनाया जाए, जिससे पुरुष अपनी बात रख सके, उनकी भी न्याय उनको भी मिल सके, उनकी भी जाँच हो सके प्रताड़ना की, और दूसरा महिला कानून आप और भी सख्त कर दो, मुझे समस्या नहीं है, लेकिन महिला कानूनों में एक प्रावधान और जोड़ा जाए कि यदि कोई महिला किसी पुरुष पर झूठा मुकदमा कायम करती है और वो मुकदमा माननीय न्यायालय द्वारा गलत साबित कर दिया जाता है, झूठा साबित कर दिया जाता है, तो उस महिला को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सही साबित होने पुरुष को सजा मिलती। यदि ये प्रावधान जोड़ दिया जाएगा और पुरुष आयोग बना दिया जाएगा तो समाज में दो बहुत अच्छे प्रभाव हमारे आएंगे। पहला आएगा कि जो पुरुष प्रताड़ित हैं महिलाओं द्वारा, उनको भी वो अपनी समस्या भेज सकते हैं पुरुष आयोग को, उस पर जाँच होगी और उनको भी न्याय मिलेगा, उनको भी बेगुनाह साबित होने का मौका मिलेगा। नंबर दो, आज जो प्रताड़ित महिलाएं हैं जो आज झूठे केस में वो भी झूठी मान ली जाती हैं और उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है, उन प्रताड़ित महिलाओं को भी न्याय मिलेगा, जिससे वो आज जो भटकती थी उनको भी न्याय मिलकर वो अपना जीवन अपन सही ढंग से कर सकती हैं। और इसका समाज से मैं एक आग्रह करता हूँ कि आज ये पुरुष आयोग जो है ये वर्तमान की मांग तो है ही है, लेकिन भविष्य की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि हमारे घर में हर घर में एक बच्चा एक बेटा बेटी होता है, अब आज बेटा हो या बेटी गलत कानूनों को दुरुपयोग के बाद दोनों ही परेशान हैं, तो हम सबको इसे मुहिम का समर्थन करना चाहिए जिससे ये कानून बने और पुरुष और महिला दोनों को न्याय मिल सके। इस तरीके का जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं,
यहाँ पर ये कार्यक्रम की पहल है, शुरुआत है या इस तरीके के कार्यक्रम कभी और? ये आज हमारी पहल शुरुआत की हमने कानपुर से। अभी 30 सितंबर तक हम ये 5 चरणों का कार्यक्रम हमारा हो रहा है। 30 सितंबर तक भारत के 350 जिलों तक हमारे कार्यक्रम चालू हो जाएगा और 31 जुलाई 2025 तक हम भारत के 650 जिले छू लेंगे इस मुहिम को चलाते हुए अपनी।